अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित होने पर पक्षकारों की प्रतिक्रिया सामने आई। बाबरी मस्जिद पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि हम सब चाहते थे कि फैसला सुप्रीम कोर्ट करे, सारे सबूत कोर्ट के पास मौजूद थे, हम हिंदुस्तान के वफादार मुसलमान हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, न आगे होंगे और न ही पीछे होंगे, हिंदू मुस्लिम सभी कोर्ट का फैसला मानेंगे। वहीं श्री राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य महंत कमल नयन दास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जल्दी से जल्दी फैसला करना चाहिए, राम मंदिर निर्माण की तैयारी पूरी हो चुकी है, प्रतीक्षा परिणाम की है, सभी साक्ष्य राम मंदिर के पक्ष में हैं। मुस्लिम कार्य सेवक राम भक्त बबलू खान ने कहा कि रामलला का वनवास हमेशा के लिए खत्म होने वाला है, फैसला आया तो हिंदू मुस्लिम मिलकर राम मंदिर निर्माण में कार्य सेवा करेंगे, अल्लाह का फरमान विवादित स्थल पर नमाज जायज नहीं है, मुस्लिमों के लिए काबरा एक तो हिंदू भाइयों के लिए राम जन्मभूमि एक है। वहीं रामलीला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा शक्ति दिखाई और इतने लंबे केस को समाधान करने के लिए निश्चित किया कि वह बहुत ही सराहनीय है, एक इतिहास बनेगा और इस इतिहास के साथ साथ जो निर्णय आएगा वो जो बहुत प्रतीक्षा करते करते ही आ जाएगा, कद आएगा वह सुरक्षित रख लिया है, अब जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण कर रहे हैं और अपने ढंग से लोग व्याख्या कर रहे हैं, वही लोग आशा लगाए बैठे हैं कि उसी आशा में हमको भी पूर्ण विश्वास है कि जो भी निर्णय होगा आदेश होगा वह हमारे पक्ष में आएगा। बिल्कुल, अब हमको लग रहा है कि रामलला का वनवास हमेशा के लिए खत्म होने वाला है और जो भी फैसला आएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ देश के कोने कोने के हिंदू और मुसलमान भाइयों से कि देख लीजिए, हम अयोध्या के हम हिंदू और मुसलमान भाई पूरी तरह से तैयार हैं कि फैसला आएगा और हम लोग सब लोग मिल करके राम मंदिर निर्माण में कार्य सेवा करेंगे। हम लोग सब सहमत हैं क्योंकि हम कुरान और हदीस के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, विवादित स्थान पर ये हमारा खुदा कहता है, हम सच्चे ईमान वाले मुसलमान हैं, ये हमारा खुदा कहता है कि विवादित स्थान पर हम लोग नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं से वहाँ पे फैसला विवादित मस्जिद के पक्ष में नहीं आएगा क्योंकि राम मंदिर ये जन्मभूमि का विषय है। जिस तरीके से पूरे दुनिया के लोगों में हमारे मुसलमान भाइयों के लिए काबा एक है, उसी तरह से तमाम हमारे हिंदू भाइयों के लिए राम जन्मभूमि एक है, ये जन्मभूमि का विषय है, तो हम चाहते हैं कि फैसला राम मंदिर के हक में आए और हम हजारों लाखों मुस्लिम मिल करके राम मंदिर निर्माण में कार्य सेवा करेंगे। और मैं साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के कोने कोने पर मैं अपील करना चाहता हूं हिंदू और मुसलमान भाइयों से कि हम अयोध्या वासियों से सीख लीजिए, आप लोग किसी के बहकाव मत आइएगा, किसी अफवाह में मत आइएगा, हम विश्वास दिलाते हैं यहां पे भव से भव राम मंदिर का निर्माण हम हिंदू मुसलमान मिलकर करेंगे और जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो हिंदू और मुसलमान सारे लोग मिलकर क्या। देखिए, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा शक्ति दिखाई और इतने लंबित केस को और इसका समाधान करने के लिए निश्चित किया, वह बहुत ही सराहनीय है, एक इतिहास बनेगा और इस इतिहास के साथ साथ जो निर्णय आएगा वह जो बहुत प्रतीक्षा करते करते कि आज आएगा कल आएगा वो सुरक्षित रख लिया है कोर्ट, अब जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करेगा और अपने अपने ढंग से लोग व्याख्या कर रहे हैं और आशा लगाए बैठे हैं, उसी आशा में हमको भी पूर्ण विश्वास है कि जो भी निस्तारण होगा, जो निर्णय होगा, जो आदेश होगा वह हमारे पक्ष में आएगा क्योंकि हमारे वकीलों ने वह दलील दिया है जो मुस्लिम पक्ष नहीं दे पाए हैं। उन्होंने उनको इतना नर्वस हो गए और इतना झल्ला गए अपने कि हम हार रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कोर्ट के सामने ही ऐसे महत्वपूर्ण नक्शे को फाड़ दिया राजू धवन ने। इसलिए पता है कि जब व्यक्ति हारने लगता है, पराजित होने लगता है, तब उस स्थिति में वो बौखला जाता है, तो इनके कोर्ट के सामने ही बौखला जाना यह प्रमाणित करता है कि राजू धवन जी और मुस्लिम पक्ष ये क्यों कोई दलील ऐसे नहीं दे पाए, ऐसा प्रमाण नहीं दे पाए जिससे उनके पक्ष में कोई निर्णय हो, लेकिन हमारे वकीलों ने हमारे हम लोग ये चाहते थे कि कोर्ट इसका फैसला कर दे, आज कर दे, अभी कर दे, सारे सिस्टम जो है सब अब इस वक्त जो है मौजूद हैं कोर्ट के पास, जो कुछ करना होगा कोर्ट चाहे आज करेगा वो कल करेगा, फैसला कोर्ट को करना है, हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, मुसलमान हैं, अगर हमने कह दिया कि हम संविधान को मानेंगे तो मानेंगे, कोर्ट जो भी फैसला करेगा हम उसको मानेंगे, हम इसके आगे ना होंगे ना पीछे होंगे,
हम अपनी कौम के भी वफादार हैं और हम देश के भी वफादार हैं, इसलिए हमें चाहते हैं कि ये मसला अब ये जो है कोर्ट इसको ख़त्म करने जा रहा है, चाहे आज करे या कल करे, हम इसके आगे पीछे नहीं होने वाले हैं। ये मसले को तय कर दे जो है कोर्ट इसका फैसला कर देगा, हम अपने घरों में बैठ के मानेंगे। चाहे वो हम सबके लिए हिदायत देता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, अगर संविधान को मानते हो तो कोर्ट का फैसला मानो, जो कुछ होना होगा उसका सब जो है सरकार अपना वो काम करेगी, सारी देख रेख रख रखाव जो कुछ करना है वो सरकार को करना है, जो है चाहे जब वो आ जाए। हम तो कहते हैं आज आ जाए, अभी आ जाए, हम तो जब है जितना हमको मानना वो मानेंगे, इसके अलावा हमें कुछ करना तो है नहीं। बहुत ही अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट को जल्दी से जल्दी फैसला कर देना चाहिए। और हमारी भगवान श्री राम जन्मभूमि की निर्माण की तैयारी पूरी हो चुकी है, कोई कसर नहीं है, हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं परिणाम कितना जल्दी आवे, निर्माण कार्य प्रारंभ। अरे हम तो देख रहे हैं सारे साक्ष्य सारे प्रमाण हमारे पक्ष में हैं, भगवान श्री राम जी के पक्ष में है, राष्ट्रनायक लोकनायक भगवान श्री राम है, जन जन के प्राण भगवान श्री राम है, राम जी की जन्मभूमि है, सारा प्रमाण है, तो उसमें पक्ष विपक्ष की क्या बात है, सारा निर्णय सारा वो भगवान श्री राम जी का है।